स्वागत है आपका। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आईपीएल 2019 में अपने दूसरी जीत की तलाश में भिड़ेगी मुंबई इंडियंस से। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 में हमें दिखाई देंगे इस मैच में। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आईपीएल 2019 में फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपनी पहली जीत जो है वो मिल चुकी है, और अब उनके लिए हर एक मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां पर सोमवार को आईपीएल 2019 के 31वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मुंबई इंडियंस से भिड़ने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हो सकती है इस मैच में। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर डेल स्टेन की। तो आपको एक और बार बता दें कि डेल स्टेन जो है दोस्तों इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। इस मैच में भी वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अगले मैच में दोस्तों वो अवेलेबल रहेंगे, और इसके अगले मैच से जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस मैच में डेल स्टेन जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो उमेश यादव और मोहम्मद सिराज दोनों ही जो है वो काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, और ऐसे में इन दोनों प्लेयर में से किन्हीं एक को बैठाकर कुलवंत खजरोलिया को जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मौका दे सकती है। बात करते हैं किस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो इस मैच में हो सकती है। तो पार्थि पटेल और विराट कोहली हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। एबी डिविलियर्स यहां पर नंबर 3 पर होंगे, मार्कस स्टोइनिस होंगे नंबर 4 पर, नंबर 5 पर दोस्तों मोइन अली होंगे, तो नंबर 6 पर होंगे अक्षदीप नाथ, नंबर 7 पर पवन नेगी होंगे। बात करें इनके बॉलर्स की तो युजविंदर चहल, नवदीप सैनी ये दो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इनके बाद उमेश यादव या फिर मोहम्मद सिराज, इनमें से कोई एक खेल सकता है, और आखिरी में कुलवंत खजरोलिया को जो है वो यहां पर मौका मिल सकता है। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हो सकती है जब वो भिड़ेगी मुंबई इंडियंस से आईपीएल 2019 के 31वें मैच में। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।